हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्लास 10वीं हिंदी मीडियम। विषय हमारा विज्ञान और हमारा जो अध्याय चल रहा है वो अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, हमने कल अम्ल के बारे में पढ़ा था, क्षार के बारे में पढ़ा था, क्षारक के बारे में पढ़ा था, तनुकरण पढ़ा था हमने। ठीक है, आज हम देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, है ना। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातुओं से क्रिया, अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो अम्ल धातुओं से जब भी क्रिया करता है तो वो बनाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगता है? जब भी हम हाइड्रोजन गैस जब ये प्रयोग होता है और जब भी गैस निकलती है परख नली से, तो उस परख नली के पास अगर हम जलती हुई अगर मोमबत्ती ले जाएंगे तो एक पॉप ध्वनि, एक साउंड उत्पन्न होता है जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है। तो धातु से क्रिया करके क्या बना कर रहे हैं? अम्ल हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी अम्ल धातु से क्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बहुत ही सिंपल है, एक कोई भी धातु ले लेते हैं, सोडियम प्लस अम्ल ले लेते कोई भी, हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, लवण बनता है प्लस H2, ये बन गया हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हम बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ 2 लगा दिया हमने क्योंकि हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, इसके आगे 2 लगा दिया, क्लोरीन 2 हो गए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा केमिकल, जो हमारा रासायनिक समीकरण, उसको हमने उदाहरण के तौर पे समझा दिया। अगला धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु कार्बोनेट से क्रिया जब भी अम्ल करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, अम्ल हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अम्ल जब भी कार्बोनेट से क्रिया करेगा धातु कार्बोनेट से, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो यहां हम ले लेते हैं कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं, भाई हम लिया है H2SO4 लिया है, ये प्रबल अम्ल है। और धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, धातु कार्बोनेट में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इससे क्रिया करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो यहां बन गया Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई, एक लवण बन रहा है, पानी का अणु बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा ये याद रखना कि धातु कार्बोनेट से जब भी अम्ल क्रिया करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। अगला धातु बाइकार्बोनेट से, या बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो यहां पर ये लाइन हम लिखेंगे कि अम्ल हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, कब? जब वो धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है। उदाहरण ले लेते हैं, यहां पर भी हम उदाहरण लिखेंगे, यहां पर भी उदाहरण लिखते हैं हम। तो हमेशा CO2 गैस उत्पन्न, उदाहरण लेते हैं NaH, लिखते हैं NaHCO3 प्लस HCl अम्ल। चलिए क्या होगा भाई, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। अगला क्षारकों से क्रिया, देखिए क्षारकों से क्रिया यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो धातु, सॉरी, जब भी हम लोग क्षारकों से क्रिया करता है
हमेशा लवण और जल उत्पन्न करता है। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका जो अगला नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये इस नाम से भी कई बार जानी जाती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो या अम्ल तो क्या उत्पन्न करेगा भाई, हमेशा अम्ल जब क्षारों से क्रिया करेगा तो लवण और जल। ठीक है, चलिए ले लेते अपन HCl प्लस क्षार NaOH, क्या बना भाई NaCl प्लस H2। तो लवण और जल हमेशा बनता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम, चलिए धातु ऑक्साइडों से क्रिया, ठीक है ना, धातु ऑक्साइड से क्रिया। तो अम्ल जब भी धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा उसको हम देखते हैं और फिर लिखेंगे हम। धातु ऑक्साइड हमारे पास क्या है, HCl प्लस Na2O, ये बन गया आपका NaCl प्लस H2O। तो धातु ऑक्साइडों से जब भी क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है, तो हम लिखेंगे हमेशा लवण व जल बनता है। तो जब भी हम धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल बनता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखिए जब भी अम्लों को पानी में घोलेंगे हम तो हमेशा H प्लस आयन देते हैं। प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो पानी में अगर घोले तो अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, वह अम्ल जो पानी में घोलने पर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। अधिक मात्रा में देखें तो वो प्रबल अम्ल, उदाहरण हम ले सकते हैं, जिसके उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वह अम्ल होता है जो पानी में घुलने पर कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। लिखेंगे पानी में घुलने पर कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। उदाहरण लेते हैं इसका, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल है, एसिडिक अम्ल है, आदि। तो ऐसे अम्ल जो पानी में घुलने पर कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम जो है वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जनरली दुर्बल अम्ल जो होते हैं हम खाने में यूज करते हैं, हमारे घर के अंदर किचन में जो भी हम खाना बनाने के अंदर, जैसे एसिडिक अम्ल हो गया, सिरका वगैरह हो गया, अचार मुरब्बों में, केक में उपयोग किया जाता है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। देखिए अभी हमने देखा है दही और जो खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं इन सब में अम्ल होता है, दही व खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। ठीक है भाई, अब खट्टे पदार्थों में अम्ल होगा और उसको अगर हम तांबे और पीतल के बर्तन में रखेंगे तो ये सब जो है ये धातु से मिलकर बने, तांबा धातु है, तो ये अम्लों से क्रिया कर लेंगे और अम्लों से क्रिया करने के बाद में एक विषयुक्त पदार्थ बनाते हैं, है ना। और विषयुक्त पदार्थ बनाने से जो दही और जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं वो खराब हो सकते हैं, है ना, इसलिए
जो दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखते। दही और खट्टे पदार्थ अम्ल होता है, जो पीतल व तांबे से क्रिया कर विषयुक्त पदार्थ बनाते हैं। ठीक है भाई, विषयुक्त पदार्थ बनाएंगे, जहरीले पदार्थ बनाएंगे, हानिकारक पदार्थ बनाएंगे, जो कि दही और खट्टे पदार्थों को खराब कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि दही और जो खट्टे पदार्थ जैसे अचार वगैरह हो गए, अचार मुरब्बे, इनको कांच या फिर चीनी के बर्तन में इसलिए रखा जाता है इनको ना, इनको पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखे क्योंकि खराब हो जाएगी वो, क्योंकि ये दोनों से क्रिया, अम्ल हमने देखा है अम्ल जब भी धातुओं से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है और हाइड्रोजन गैस जो है पॉइजनस होती है जो कि पदार्थों को खराब कर सकती है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गए होंगे। अगले टॉपिक हम आपको कल के वीडियो में सेंड करेंगे।